नमस्कार दोस्तों, मैं टैरो पूजा वर्मा 14 जनवरी 2022 का लेकर आई हूँ राशिफल अपने टैरोस के द्वारा। बात करते हैं एरिज यानी मेष राशि के बारे में। आइए जाने मेष राशि के टैरो कार्ड हमें क्या बताना चाहते हैं। मेष राशि वालों, कल के दिन हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी वेल्थ कहीं ना कहीं स्टक रहेगा, मनी सोची समझी प्लानिंग्स कल के दिन कामयाब होनी थोड़ी सी मुश्किल रह सकती है। उसके बाद बात करती हूँ आपके रिलेशंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, नई जगह और रिलेशंस बनने की उम्मीद भी बन रही है। बात करते हैं टॉरस यानी कि वृष राशि के बारे में। आइए जानें वृष राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। वृष राशि वालों, कल के दिन बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक रहने वाली है और वेल्थ में भी डेफिनेटली बहुत इंक्रीज होंगे आपके पैसे, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया काम आपके हाथ में कल लगेगा। और उसके बाद बात करती हूँ आपके रिलेशन में मनमुटाव हो सकता है, कोई इंसान आपसे नाराज हो सकता है या आप खुद किसी से नाराज हो सकते हैं। बात करते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि के बारे में। आइए जानें मिथुन राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। मिथुन राशि वालों, कल के दिन हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, खुशनुमा माहौल रहेगा और अपने आप में एक सफुर्ती महसूस करेंगे। और उसके बाद बात करती हूँ आपके पैसों की। डेफिनेटली पैसों के लिए किसी काम के लिए कहीं भाग दौड़ हो सकती है, कहीं दूर जाना पड़ सकता है या कुछ प्लानिंग थोड़ी आगे बढ़ सकती हैं। और उसके बाद बात करती हूँ रिश्तों में। कल के दिन खास ख्याल रखें, किसी से नाराजगी ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, नहीं तो ये परेशानी लंबी चल सकती है। आइए बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि के बारे में। आइए जानें कर्क राशि के लिए हमारे टैरो कार्ड्स कल के लिए क्या कहना चाहते हैं। कर्क राशि वालों, हेल्थ में थोड़ा सा कल प्रॉब्लम रह सकती है, सर्दी जुकाम के साथ बुखार भी रहने की आशंका बन सकती है। और उसके बाद बात करती हूँ पैसों की। कल के दिन प्लानिंग्स डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी रहेंगी, फ्रूटफुल रहेंगी, पैसा भी आएगा, नए काम भी मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ काम को लेकर प्लानिंग्स जो हैं वो आपकी ज़रूर पूरी होंगी। उसके बाद बात करती हूँ रिश्तों की। बहुत दिनों से जहाँ नाराजगी चल रही होगी, वहाँ पर आपके अपने बात करने से रिश्ता दोबारा से बन सकता है। बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की। आइए जाने सिंह राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। सिंह राशि वालों, कल के दिन हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव फील करेंगे और कल के दिन बहुत अच्छा फील करने वाले हैं आप। कल के दिन पैसों की बात करूं तो कोई ना कोई इंसान आपको पैसों में धोखा दे सकता है, थोड़ा सा ध्यान से रहिए। और उसके बाद बात करती हूँ आपके रिलेशंस में मनमुटाव हो सकता है, रिलेशंस को भी लेकर आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि के बारे में। आइए जाने कन्या राशि के लिए हमारे टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। कन्या राशि वालों, कल के दिन हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा बच के रहें, चोट लगने की भी आकांक्षा बन सकती है, थोड़ा सा सोच समझ के रहें। उसके बाद बात करती हूँ वेल्थ की। कल का दिन बहुत अच्छा है, प्लानिंग्स आपकी पूरी होंगी, सोचे समझे काम बनेंगे और पैसा भी ज़रूर आएगा। बात करती हूँ रिश्तों की। डेफिनेटली अगर प्रपोजल किसी को करते हैं या कोई आपको प्रपोज करता है तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि के बारे में। आइए जानें तुला राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। तुला राशि वालों, कल के दिन हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, अपने आप को थोड़ा सा ठीक रखने के लिए ठंड से थोड़ा सा बचा के रखिए। उसके बाद बात करती हूँ आपके पैसों की। कल के दिन डेफिनेटली आपकी जेब में पैसे तो ज़रूर आएंगे, ग्रोथ भी होगी और नई प्लानिंग्स भी बनेंगी। उसके बाद बात करती हूँ आपके रिश्तों की। रिश्तों में कोई ना कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, बैक बचिंग कर सकता है, पीछे से आपके लिए बुराई कर सकता है। बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। आइए जानें वृश्चिक के बारे में हमारे टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। वृश्चिक राशि वालों, कल का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा, तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी,
बहुत ही अच्छा फील करेंगे कल के दिन। उसके बाद बात करती हूँ पैसों की, लिटिल बिट कमी हो सकती है कल के दिन, सोचे हुए काम ना बने ऐसा हो सकता है। जो कोई भी आपसे प्रॉमिस करे काम के लिए, पैसे देने के लिए, शायद वो मुकर सकता है उस बात से। उसके बाद बात करती हूँ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहेगा, ग्रोथ रहेगी आपके रिलेशनशिप में। बात करते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु राशि के बारे में। आइए जाने धनु राशि के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। धनु राशि वालों, कल के दिन तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी, खुश रहेंगे और डेफिनेटली किसी की सेवा का मौका भी कल के दिन आपको मिल सकता है। और उसके बाद बात करती हूँ आपके पैसों की, काम होते होते रह जाएंगे कल के दिन। जहाँ भी उम्मीद होगी वहाँ कोई ना कोई, जैसे कहते हैं कि कोई इंटरफेरेंस की वजह से आपका काम रहते होते हुए रह जाएगा। उसके बाद बात करती हूँ आपके रिलेशंस की। देखिए कल के दिन रिलेशनशिप में यही कहना चाहूँगी, जिस तरीके से आप बर्ताव करेंगे आपको उसी समय का उसी तरीके का रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। आइए देखें मकर राशि के बारे में हमारे टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। मकर राशि वालों, कल के दिन हेल्थ का खास ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा खाने पीने में ध्यान रखना और दवाई बिल्कुल टाइम से लेना, हेल्थ में प्रॉब्लम कल के दिन रह सकती है। पैसों की बात करें तो किसी लापरवाही की वजह से हाथ में आता धन आपका गायब हो सकता है, यानी कि बनता हुआ काम खराब हो सकता है। बात करती हूँ रिश्तों की, तो रिश्ते आपके कल के दिन ठीक रहने वाले हैं। बात करते हैं अक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए। आइए जाने कुंभ राशि के लिए आपके टैरो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। कुंभ राशि वालों, कल के दिन हेल्थ मिला जुला रहेगा, दवा टाइम से लेनी है, मेडिसिंस रेगुलर चेकअप जो कराते हैं वो ज़रूर टाइम से कराना है आपने। उसके बाद बात करती हूँ आपके पैसों की, कल के दिन पैसे आपकी पॉकेट में ज़रूर रहेंगे, प्लानिंग ज़रूर कामयाब होगी, जो भी सोचे समझे काम होंगे वो होंगे कल के दिन, कोई नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी की हो सकती है। उसके बाद बात करती हूँ आपके रिलेशनशिप की, डेफिनेटली आपके रिलेशंस भी कल के दिन काफ़ी मजबूत। बात करते हैं पाइसिस यानी मीन राशि की। आइए जाने मीन राशि के टैरो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। मीन राशि वालों, कल के दिन आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी, अच्छा महसूस करेंगे, पॉजिटिव फीलिंग आ सकती है। और उसके बाद बात करती हूँ आपके पैसों की, कल के दिन स्टेबिलिटी रहेगी, सोचा हुआ काम डेफिनेटली बनने वाला है, बहुत दिनों से जो आपकी योजना बन रही है कल के दिन पूरी हो सकती है। उसके बाद बात करती हूँ रिश्तों की, रिश्तों में कहीं ना कहीं बहस हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, तो ध्यान रखिए अपने रिश्तों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें।